हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। इसके द्वारा हम जो भी अपने स्टाइल्स लेते हैं या जो भी हम फोटो लेते हैं, जो भी हम शेप्स लेते हैं, उसकी अवस्थाओं को हम इससे चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम शेप्स लेंगे। कोई सा भी हम शेप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, ये देखिए एक ये शेप ले लिया। ये शेप क्या है, अभी एक स्माइली लिया है मैंने जो कि हंस रहा है। इसका मैं कलर भी देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसे येलो कलर दे दिया है। एक मैं स्माइली और ले लेता हूँ। कैसे लेता हूँ, मैं इसे खिसका के ले जाता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने से क्या होगा, ये पेस्ट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसका मैं कलर मान लीजिए ब्लू दे देता हूँ। दो होगा, इसको मैं रुला देता हूँ यहाँ पर। जब हम इसके नोड पर लाएंगे, रेड वाले नोड पर, तो ये डिजाइनिंग टूल बन जाएगा। और रेड वाले टूल पर लाएंगे और इसे रोला देंगे तो ये रो जाएगा। अभी एक हंसता हुआ स्माइली है, एक हमारा रोता हुआ स्माइली है। हम ब्लेंड टूल का यूज़ करेंगे और इसे पकड़ के खींच के जब इसे जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे स्माइली बन गए। और सबकी जो फिगर है, जो शेप्स है, वो अलग अलग होगा। देखते हैं कैसे। अभी ये 20 स्माइली हो गए हैं, देखिए अभी 20 स्माइली यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं ज़्यादा करूँ तो ज़्यादा कर सकता हूँ, अगर मैं इन्हें कम करूं तो कम भी कर सकता हूं। मान लीजिए मैं इसे कम करके 10 कर देता हूं। 10 स्माइल्स मैंने ले लिए हैं। अभी देखिए यहां पर बीच में एक टूल आ रहा है, इस टूल को पकड़ के अगर मैं इधर खींचता हूं तो ज़्यादा इधर है, इधर कम है स्माइली। इसे अगर मैं इधर की साइड खींचता हूँ तो इधर की साइड ज़्यादा हो गए हैं, इधर की साइड कम हो गए हैं। मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ। अभी देखिए अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो और कलर में चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो अलग से कलर में चेंजेस आ रहे हैं, और इधर कुछ अलग ही कलर हमारे चेंज हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली जो येलो कलर था वो चेंज होते होते ब्लू हो गया है, मतलब उसकी जो अवस्था है वो चेंज हो गई है। अगर आप यहाँ से इसको देख रहे होंगे वाले टूल को, तो इससे क्या है, हम इसे देखिए बढ़ा रहे हैं एक साइड को, ये गोल होते चले जा रहे हैं, दिख रहा है आपको। और इधर से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दोबारा से ये सीधे होते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्हें हम घुमा भी सकते हैं। अभी देखेंगे हम जब इसे अलग अलग करते हैं तो अलग अलग कैसे करेंगे, जिससे आप एक एक चित्र को अलग अलग देख पाएं। 10 जो स्माइली हैं उनकी अवस्थाओं में क्या चेंज आया है वो आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए हम अरेंज में जाएंगे और हम इसे कर देंगे ब्रेक। ब्रेक करने से क्या होगा, जो पहला वाला स्माइली है जो हमने बनाया था अपने हाथों से और जो लास्ट वाला बनाया था, वो अलग हो जाएंगे, बाकी सारे एक साथ रहेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, अनग्रुप कर देंगे। जब हम इसे अनग्रुप करेंगे तो देखेंगे कि जो सारे स्माइलीज हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए सब अलग अलग हो गए हैं, मैंने अलग अलग करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये सारे के सारे अलग अलग हो गए हैं। ये देखिए सारे के सारे मैंने अलग अलग कर दिए हैं यहाँ पर। अब ये आपको मालूम पड़ रहा है क्रम से कैसे बने हुए। देखिए पहले ऐसा था हंसता हुआ, फिर ये ऐसा कम हंसा, और कम और कम और कम, और बिल्कुल कम हंसने लगा यहाँ पर। यहाँ बिल्कुल रोना चालू कर दिया इसने, और ये रोता चला गया और ये रो गया लास्ट में जाके। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी जो अवस्थाएँ हैं वो चेंज हो गई। अगर हम एक खड़ा हुआ व्यक्ति ले लें, एक बैठा हुआ व्यक्ति का सिंबल ले लें, तो क्या होगा, जब हम उसे जोड़ेंगे तो बैठा हुए से खड़े हुए तक जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इस प्रकार से आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एक बस आपको दो चित्र बनाने हैं और बाकी के जो 10-20 चित्र जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाते हैं। होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको और कुछ भी जानना है तो उसके लिए मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।